हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्प्रिंकल विद स्नेह। तो आज हम बनाने वाले हैं तंदूरी पनीर टिक्का, वो भी बिना तंदूर के, विदाउट तंदूर। पर इसका टेस्ट जो आएगा वो बिल्कुल तंदूर की तरह ही होगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले एक बोल में लेना है दही, या फिर आप हंकर्ड ले ले अगर आपका दही गाढ़ा नहीं है तो। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ रोस्टेड बेसन। तो बेसन को मैंने फ्राई कर लिया है 5 मिनट के लिए। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हल्दी, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, इससे अच्छा कलर आएगा तो ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा डाल रही हूँ, चाट मसाला, क्रश किए हुए अजवाइन, कसूरी मेथी, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल जो मैंने गरम कर लिया है। तो सरसों का तेल जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट देता है इस मैरिनेशन को। और अब इसमें डालेंगे नींबू का रस। और अब इन सबको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ स्क्वायर शेप में कटे हुए प्याज जो मैंने पनीर के बराबर के साइज़ में कट किए हैं। और अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, टमाटर, और इसे कर लेंगे थोड़ा मिक्स। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पनीर। तो अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से हाथों की हेल्प से, ताकि मैरिनेशन हर एक वेजिटेबल के ऊपर चिपक जाए अच्छे से। तो अब मैं 2 मसाले और ऐड कर रही हूँ इसमें, गरम मसाला और काली मिर्च पाउडर। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे डालने के बाद, और हमारा मैरिनेशन बिल्कुल रेडी है। इसे 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है आपको कवर करके। और यहाँ पे 5-6 घंटे हो गए हैं, और यहाँ पर मैंने पैन में लिया है ऑयल। और अब हम मैरिनेट किए हुए वेजिटेबल्स और पनीर को स्टर फ्राई करेंगे हाई हीट पे। तो यहाँ पर इसे 2 से 3 मिनट के लिए कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है, बस हल्का सा फ्राई करना है इसे। अगर ये ज़्यादा सॉफ्ट हो गए तो स्क्वायर्स से निकल जाएंगे या फिर टूटने लगेंगे। तो अब ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अब हम इन्हें स्क्वीवर्स में लगा देंगे। तो ये मैंने अमेज़ोन से स्टील के स्क्वीवर्स लिए हैं। तो ये पनीर टिक्का, चिकन टिक्का दोनों के काम आते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्याज डाला है बड़े साइज़ का, और उसके बाद मैं टमाटो ऐड कर रही हूँ। तो आप जब भी पनीर डालें उसके आगे पीछे वेजिटेबल्स होने चाहिए, क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट होता है, उसके आगे पीछे सपोर्ट के लिए आप वेजिटेबल्स डाल दें। और यही प्रोसेस रिपीट करते हुए आप सारे स्क्वायर्स ऐसे ही सेट कर लें। यहाँ पे सारे वेजिटेबल और पनीर सारे हो चुके हैं सेट, और अब हम इनको देंगे तंदूरी फ्लेवर। इसके लिए मैंने गैस को कर लिया है हाई, और यहाँ पे इसे चारों तरफ से घुमाते हुए इसे कुक कर लेना है।
और अगर आप इसे माइक्रोवेव में बनाना चाहते हैं तो 15 मिनट के लिए आप ग्रिल का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ऐसे स्पॉट्स आ जाने चाहिए आपके पनीर टिक्का के ऊपर, और गैस पे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। ये बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि हमने घर पे बनाए हैं। और इनमें जो पनीर के साथ वेजिटेबल्स होते हैं लाइक टोमेटो, कैप्सिकम एंड अनियंस, तो इनका भी बहुत अच्छा तंदूरी फ्लेवर आता है पनीर के साथ साथ। और अनियंस मैं थोड़े ज़्यादा डालती हूँ इसके अंदर, क्योंकि अनियंस सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं पनीर टिक्का में। और यहाँ पर हमारे सारे पनीर टिक्का हो गए हैं रेडी, और अब हम करेंगे इनको सर्व। पनीर टिक्का को हमेशा ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है पनीर टिक्का का। और अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ चाट मसाला। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस करें, इससे मेरी रेसिपीज़ की अपडेट आपको मिलती रहेगी।